पेट्रोल महंगा हो गया, गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गई, लोगों ने टांगे खरीदना शुरू किए तो वो भी महंगे हो गए। टांगे अब कहां बनते हैं और एक टांगा कितने में बन जाता है, जानिए इस वीडियो में। तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 1990 में ये काम शुरू किया है। पहले वो बहुत ज़्यादा काम था इसका, टांगे का भी बहुत ज़्यादा काम था, सवारियाँ बैठती थी, रेड़े का भी काम था, लोडिंग वगैरह ये वो लटर पटर सब चलता था काम इसके ऊपर। अब ये दौर ऐसा आ गया है, ये रिक्शे वगैरह ये आ गया ना, चंगठी रिक्शा हो गया, ये लोडर रिक्शा हो गया, ये बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद हमारे काम में बहुत फ़र्क पड़ गया है। कोई थोड़ा बहुत काम आता है वो तैयार करते हैं, चलो रोटी पानी गुजारा चल रहा है। अच्छा, ये बनता किस किस तरीके से, इसका प्रोसेस क्या गया? इसका लकड़ी होती है, लकड़ी को आरे के ऊपर वो सैज का बनाते हैं, फिर इसके आर बनाते हैं, डंडे जो इसके अंदर लगे हैं, फिर नाभे बनाते हैं, फिर लोहे के चैन लेते हैं, फिर रबड़ लेते हैं, इसको फिर गर्म करके चैन को इसके लकड़ी के ऊपर चाटते हैं, फिर इसके अंदर रबड़ ठोकते हैं, रबड़ ठोक के फिर इसको मुकम्मल करते हैं। हाँ, फिर जो पहिया मुकम्मल हो जाता है, फिर इसको रेड़े के अंदर फिट करते हैं, फिट करके फिर इसको चलाते हैं। अच्छा इकबाल साहब, इसमें लकड़ी कौन सी इस्तेमाल होती है? इसमें दो तीन किस्म की लकड़ी इस्तेमाल होती है, एक तो टाली की लकड़ी इस्तेमाल होती है, किकर की लकड़ी इस्तेमाल होती है, और इसमें बांस वगैरह भी जो है ना वो भी लगते हैं। कोई इसके लिए स्पेशल होते हैं या नॉर्मल जो स्पेशल बांस होते हैं इसके? अच्छा, हाँ जी, मोटे बांस होते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। तो इसमें जो पेंट इस्तेमाल करते हैं वो कोई अलादा है या वो भी कोई स्पेशल होता है? नहीं, पेंट भी वो मास्टर वालों का पेंट है, वो लेते हैं, और मिट्टी का तेल उसमें मिक्स करते हैं और इसके ऊपर बड़ी प्यारी प्यारी सी पोइट्री, बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बना लेते हैं। वो कैसे बना लेते हैं? वो अपने अंदाज से बनाते हैं। अच्छा। अपने हाथ से डिज़ाइन बनाते हैं और लकीरें खींचते हैं और इसको मुकम्मल करते हैं। रंग वगैरह का और बाकी तमाम मेकिंग का आपको टोटली काम आता है? हाँ, ये मैं सारा कर लेता हूँ। आपने सीखा किससे था? अल्लाह के फजल से, बस उस्ताद होते हैं, उस्तादों से काम सीखना पड़ जाता है। ये कितने दिनों में एक टांगा तैयार हो जाता है? टांगा तकरीबन कोई ज़्यादा भी वक्त लग जाता है, 15 दिन, 20 दिन, महीना भी लग जाता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। कोई पहिए बनाता है, कोई फर्श बनाता है, कोई लरें बनाता है, कोई कमानी बनाता है, कोई लोहा बनाता है, इस तरह ये काम। फिर बंदे का काम नहीं, एक बंदे का काम नहीं है, 3-4 बंदों का काम है। ये कितनी मालियत में तैयार हो जाता है, तकरीबन कितने पैसों में? तकरीबन जो सबसे अच्छा होता है ना, वो तकरीबन 2 लाख रुपए में मिलता है। टांगा रेड़ा 2 लाख रुपए में मिलता है। ये जो पीछे रेड़ा खड़ा है, हाँ, ये पुराने जो रेड़े हैं, ये कोई 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का, ऐसे हिसाब से ये बेचते हैं। ये 2 लाख रुपये का? हाँ जी। किन किन मशहूर शख्सियात ने आपसे अपने लिए स्पेशल सवारी बनवाई है? ये अभी उन नाम तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने, ये गुजर लोग हैं, ये रेड़े बनाते हैं, टांगे वाले तो ख़त्म ही हो गए। मतलब इसका कसूरवार किसको समझते हैं, कौन कसूरवार है इसको ख़त्म? कसूरवार हुकूमत ने ये ख़त्म किया, टांगा। अच्छा। हुकूमत ने टांगा ख़त्म किया सारा, क्योंकि टांगे का पहले नंबर था, 10,000 का नंबर मिलता था।
पहले टांगे का नंबर 10,000 का था। टांगे को भी नंबर लगते थे? पहले टांगे को नंबर जैसे गाड़ी को लगता है। 10,000 रुपये में नंबर खरीदा है, फिर वो टांगे बंद हो गया, नंबर कैंसिल हो गया। हाँ, हुकूमत का हुकूमत को चाहिए था कि नंबर वालों को कुछ देते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, भी नहीं दिया। हाँ ना, ये नवाज शरीफ हुकूमत के दौर में बंद हुआ टांगा। हाँ, उसने बंद किया और चांद गाड़ी रिश्का आ गए, वो सवारियाँ चलाते हैं सारे। इकबाल साहब, महीने का कितने पैसे कमा लेते हैं? महीने में यार ये रिज़्क पानी जो है ना, रब की ज़ात पाके पास है, काम आ जाए तो ज़्यादा भी पैसे आ जाते हैं, और ना आए तो फिर फारक टाइम वेले भी जाना पड़ता है। तो जब नई दिहाड़ी लगती तो फिर कैसे गुजारा? हज़ार तो दुकान से लेते हैं या किसी से हज़ार कर्जा उठाते हैं, फिर जब काम होता है फिर वापस कर देते हैं। तो बातें भी सुनाते होंगे? हाँ, बातें सुननी पड़ती हैं बाबा जी, सब लोगों की ये सब बातें सुननी पड़ती हैं। अब इसका काम नहीं रह गया भाई साहब, बहुत मुश्किल हो गया काम। अभी वो थोड़ा अरसा है, ये काम ही ख़त्म हो जाएगा। दुकानें काफ़ी थी यहाँ पर, काफ़ी दुकानें थी, लेकिन अभी कोई दुकान नहीं है, एक आधी दुकान है जो बस थोड़ा बहुत काम आता है वो करते हैं। मुझे ये टांगे जो बाकी ये भी विज़िट करवा दें, और मुझे ये बताएं कि जो पुराना टांगा है वो कितने में सेल हो जाता है? ये पुराना या नया है? ये पुराना ही है। पुराना, ये कितने में सेल हो जाता है? तकरीबन 1,00,000 रुपये का बन जाते भाई जान। ये भी 1,00,000 रुपये का। आगे आए यहाँ पर और भी जो है वो टांगे ही टांगे खड़े हैं। ये सारे भी पुराने हैं? ये पुराने हैं, ये 50-60 हज़ार का। अच्छा, ये गधा गाड़ी है, ये तकरीबन को 20,000 की बन गई है, टायर और वगैरह। वो भी रेड़ा खड़ा पड़ा है, वो भी ऐसे को 60,000 का, को 50,000 का। अच्छा, ये वाले जो है ये छोटा रेड़ा सैर करने वाला, ये वाला ये सैर करने वाला? हाँ, ये सैर करने वाला। ये कितने का होता है? ये तकरीबन को 70,000 का, 80,000 का। अच्छा, इस तरह ये बनेगा 70-80 हज़ार रुपये का। यार मतलब मैं तो समझता था कि 10-15-20 हज़ार रुपये की जो है वो ये गधा गाड़ी आ जाती हो। नहीं नहीं, ये गधा गाड़ी नहीं है, ये रेड़ा रेस वाला रेड़ा होता है, सैर करने वाला रेड़ा होता है। इसके 70-80 हज़ार का बनता है ये। जो टायर आपको बैक साइड पे नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ तो पुराने हैं और कुछ नए टायर हैं। अच्छा, ये पुराने हैं, इसके ऊपर ये अभी चैन चाढ़ेंगे, चैन चाढ़ के फिर रबड़ इसके अंदर फिट करेंगे, रबड़ फिट करके फिर इसके अंदर वो नील होते हैं सरिये के काबड़े, वो फिट करते हैं।